मुंबई वुहान से आगे निकल गई और अब दिल्ली भी इस रेस में कूद पड़ी है। कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं, कोरोना से मौत के आंकड़े रोज ऊपर जा रहे हैं। आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। दिल्ली में 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में इस वायरस से राजधानी में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। अब दिल्ली में कोरोना से कुल मौत की संख्या 984 तक जा पहुंची। राजधानी में मौत का आंकड़ा ही नहीं बढ़ा बल्कि कुल मामलों में भी बड़ा उछाल हुआ। एक दिन में कोरोना के 1501 केस बढ़ गए, जो दूसरी सबसे बड़ी बढ़त है। अब दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 32,810 हो गए। कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, हालात चिंताजनक है। इसे लेकर कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। दो दिन पहले ही एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के इलाज की बात कही गई थी। दिल्ली सरकार अब भी अस्पताल के बेड और मरीजों का हिसाब लगा रही है। हमारा बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके। आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये कोरोना वायरस। वो भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस जिसको कोविड कहा जाता है। 100 साल के बाद ये त्रासदी आई है, इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हम। इसकी फैलने की गति सबसे ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा नहीं फैल रही थी तो फिर इसको पैंडेमिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अस्पतालों पर जंग के बीच एलजी ने एलईडी लगाने का फरमान सुना दिया, जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में खाली पड़े बेड के बारे में बताना होगा। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर और ये आप देख सकते हैं इनका मेन गेट है, लेकिन अभी तक कोई एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई नहीं गई है। कल ये आदेश थे कि एलईडी स्क्रीन लगाई जाए वहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए, जो बेड के इंतजाम है अस्पताल के अंदर, कितने बेड्स खाली हैं और टोटल मेडिकल का एक्सपेंस कितना है, ये पूरा एलईडी स्क्रीन्स के बाहर लगाया जाए ताकि पेशेंट्स को कंफ्यूजन ना रहे कि उनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई एलईडी स्क्रीन्स नहीं लगी है। कोरोना की लड़ाई को मिलकर ही हराया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो जनता के साथ सरकारों की भी है। लोग अपना पूरा ख्याल तो रख रहे हैं, लेकिन बीमार पड़ने पर इलाज तो चाहिए। कोरोना की चाल बेलगाम हो रही है, लेकिन अस्पताल के बेड तो उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, यही चिंता की बात है। दिल्ली से दिव्यांशु तोमर के साथ आज तकदीर।